छत्तीसगढ़ में वोटिंग के कई दिन बीतने के बाद मतदान के नए आंकड़े सामने आने से घमासान मच गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जारी नए आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 18 विधानसभा सीटों पर 1 से 2% मतदान ज्यादा हुआ, जबकि भरतपुर सोनहट सीट पर मतदान का आंकड़ा 11% तक बढ़ गया। ये बीजेपी की कद्दावर महिला नेता चंपा देवी पावले की सीट है। इससे पहले 21 नवंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक इस सीट पर करीब 73% मतदान हुआ, जो नए आंकड़ों के मुताबिक अब 84% हो गया है। लेकिन कांग्रेस बड़े आंकड़े में बीजेपी की साजिश देख रही है। 6-6 दिन बाद तक मतदान के आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, कहां पर गड़बड़ियां हुई हैं, ये पूरा छत्तीसगढ़ जान रहा है। मुख्यमंत्री रमन सिंह के हाथों से सत्ता फिसलते देखकर भारतीय जनता पार्टी इस बार हर प्रकार के हथकंडे अपनाने पर आमादा है। जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए चुनाव आयोग पर भरोसा किया। कानून अपना काम कर रहा है और चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, मैं समझता हूँ चुनाव के संबंध में उनके आंकड़ों को सही माना जाता है। और ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आप आंकड़े मांगे और कितना वोट गिरा है ये चुनाव आयोग ना दे, ये निराधार आरोप है। कांग्रेस पहले भी निर्वाचन अधिकारियों की भूमिका और ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती रही है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में प्रचार का शोर थम गया। पिछले चुनाव में महज 21 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के सामने राज्य में दोबारा सरकार बनाने की चुनौती है। और कांग्रेस के जोश की बड़ी वजह राजस्थान में पिछले कई चुनाव का इतिहास है। 1998 के बाद से राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदली है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बार पिछले सालों का इतिहास बदल जाएगा। राजस्थान की ये सरकार ने अच्छा काम किया है और राजस्थान की ये सरकार फिर वापस आएगी जनता के आशीर्वाद से, इसको कंटिन्यू करेगी और राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेगी। हालांकि कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि उसे एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलेगा। लोगों का इंतजार खत्म हुआ, जो नाराजगी निराशा और दुख लोगों को था 5 साल तक हमने झेला है, अब बदलाव लाना है। कांग्रेस ने किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया है, लेकिन अगर राजस्थान में कांग्रेस बहुमत पाने में कामयाब हुई तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार होंगे। और सचिन पायलट ही राजस्थान में कांग्रेस का सबसे युवा चेहरा भी है। हालांकि 5 साल पहले हुए चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हुए थे, जब अशोक गहलोत की अगुवाई में 5 साल सरकार चलाने के बाद कांग्रेस को राज्य में की 200 सीटों में केवल 21 सीटें हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी ने राज्य की 163 सीटों पर कब्जा किया था। 16 सीटें अन्य के खाते में गई थी, जबकि 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केवल 78 सीटें जीती थी। कांग्रेस भी बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई थी और 96 सीट पाने में कामयाब हुई थी, लेकिन अन्य के खाते में 26 सीटें गई थी। इन्हीं विधायकों के समर्थन से अशोक गहलोत ने राज्य में 5 साल सरकार चलाई। 2013 के चुनाव में मिली बंपर जीत के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी का ग्राफ और भी ऊपर चढ़ गया। राज्य की 200 में 180 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त कायम की। नतीजा यह हुआ कि राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो वोट प्रतिशत के मामले में भी 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। 45% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले, कांग्रेस केवल 33% वोट हासिल कर पाई और 22% वोट अन्य के खाते में गए, जबकि 2008 के चुनाव में कांग्रेस करीब 37% वोट पाने में कामयाब हुई थी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच महज 1% के वोटों का अंतर था। बीजेपी को करीब 36% वोट मिले थे और 29% वोट अन्य को मिले थे। यूपी के बलिया में बैग चुराकर भाग रहे चोर की लोगों ने पिटाई कर दी। यूपी के बलिया में सरकारी अस्पताल में एक मरीज के बैग को चुराकर भाग रहे चोर को पकड़कर लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। मेजबान बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाली वनडे सीरीज के लिए रोमबन पावेल को वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की कमान सौंप दी गई। खराब फॉर्म से गुजर रहे पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज यूएई में न्यूजीलैंड के साथ जारी मैच के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की फिल्म केदारनाथ पर लगी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोपों को लेकर आज सुनवाई करेगी। ओडिशा में खेले जा रहे हॉकी वर्ल्ड कप में आज स्पेन और न्यूजीलैंड के बीच शाम 5 बजे जबकि अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच शाम 7 बजे मैच खेला जाएगा। बीसीसीआई के पूर्व सचिव निरंजन शाह के बेटे और रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र टीम के कप्तान जयदेव शाह ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। अयोध्या मामले की 26वीं बरसी को लेकर अयोध्या और आसपास के इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बिजली के दामों को बढ़ाए जाने का दावा किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान में हजारों प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। लोगों ने पाकिस्तान की इमरान सरकार पर अपने संवैधानिक अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया और विरोध में एक बड़ी रैली निकाली। इस दौरान हजारों की तादाद में वहां जुटे लोगों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे लोगों ने बड़ा मार्च निकालकर पाकिस्तान से आजादी के नारे भी लगाए। हम मर कर रहेंगे,
हम लड़कर रहेंगे। पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शनकारियों का ये मार्च गिलगित बल्टिस्तान की कई सड़कों से गुजरा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान पर उनकी जमीनों पर कब्जा करने के साथ उनके बुनियादी हक छीनने का आरोप भी लगाया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, हर चीज हमें नहीं मिल रही है और बिजली पानी का सख्त यहाँ पे बहरान है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नीलम नदी का पानी पंजाब की तरफ मोड़ने का भी विरोध किया। तुम्हारे पानियों पे जब कब्जा होगा, तुम्हारी बिजली पे कब्जा होगा, फिर आजादी हम किस चीज की लेंगे। पानी बिजली की किल्लत से जूझ रहे लोगों का गुस्सा हाल ही में पाकिस्तान सरकार की एक नई चाल के बाद भड़का है, जिसमें पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाकर गिलगित बल्टिस्तान को अपना पांचवां राज्य बनाने की योजना बनाई है। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक। इन से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों। सीबीआई की लखनऊ यूनिट ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही टीचर भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई की जांच भी शुरू हो गई। आरोप है कि शिक्षकों की भर्ती की जांच प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से लेकर कई आईएएस तक फंस सकते हैं, इसलिए केस दर्ज होने के बाद प्रदेश के प्रशासनिक अफसरों में काफी हलचल है।